अस्सलामुअलैकुम। आज कांग्रेस कैंडिडेट डॉक्टर चिनारगी साहब मेरे मकान पर तशरीफ लाए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे कई मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस की ताईद में कई स्कूल एसोसिएशंस और एडुकेट्स कई लोग यहाँ पे आज इस प्रोग्राम में शरीक हुए और सब लोगों ने कांग्रेस की ताईद करने का ऐलान किया। ऐसे मौके पर जबकि हिंदुस्तान में बीजेपी का बहुत ही ज्यादा जुल्म ज्यादती बढ़ते जा रही और साथ ही साथ महंगाई पर भी उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, हर तरीके से हर आदमी हिंदुस्तान में पिछले 7 साल से परेशान है। इस चीज को देखते हुए, इस मौके की नजाकत को देखते हुए हैदराबाद शहर से कई हजरात यहाँ पर आज इस प्रोग्राम में शरीक हुए और इन लोगों ने कांग्रेस के डॉक्टर चिन्ना रेड्डी साहब की ताईद का ऐलान किया। उसकी सबसे अहम वजह ये भी है कि इसमें कई कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से 3 टॉप कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी, टीआरएस और कांग्रेस। इन 3 कैंडिडेटों में मुकाबला है, 3 से 4 कैंडिडेट, कई आजाद उम्मीदवार है जिसका कोई उतना खास असर रसूख नहीं है। इन 3 कैंडिडेटों में जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो सिर्फ एमएलसी है, मौजूदा सिटिंग एमएलसी है। इसके बाद ये एमएलए या एमपी या कोई और पोजीशन तक नहीं पहुंचे, सिर्फ एक ही बार एमएलसी कॉन्टेस्ट किए और वो सिटिंग एमएलसी है। उसके साथ जो टीआरएस के कैंडिडेट है देवी जी, जो पीवी नरसिम्हा राव की बेटी है, उनका आप कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इस चीज से आप उनका अंदाजा कर सकते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1952 है, मींस नियर 70 इयर्स। 70 इयर्स में ये मोहतरमा जो टीआरएस के कैंडिडेट है, ना कभी ये कॉर्पोरेटर कॉन्टेस्ट करे, ना एमएलए कॉन्टेस्ट करे, ना एमपी कॉन्टेस्ट करे, सीधा 70 इयर्स में जो लोग सारे पॉलिटिशियंस अपनी सारी पॉलिटिकल कैरियर खत्म करके रिटायरमेंट के उसमें रहते, वो टाइम पे केसीआर साहब को कोई कैंडिडेट चिन्ना रेड्डी साहब के मुकाबले में कोई टीआरएस से कैंडिडेट नहीं मिला, जैसा कांग्रेस ने चिन्ना रेड्डी साहब का नाम डिक्लेयर किया। उस चीज को देखते हुए केसीआर साहब के पास कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था, तो वो मोहतरमा को जो 70 इयर्स के है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनको लाके मैदान में उतारे। तो अभी रहा चिन्ना रेड्डी साहब का, ये 4 बार एमएलए रह चुके, 1 बार मिनिस्टर कर चुके और ये बहुत ही ज्यादा एक सेकुलर माइंडेड और वर्क हार्ड करने वाले लीडर है। इसी इनकी सूरत से और कांग्रेस के सिचुएशन को देखते हुए अभी सारे कई हजरात यहाँ पे हैदराबाद के नामवर शख्सियतें मौजूद हैं, जो कि सारे लोगों ने कांग्रेस की ताईद का ऐलान किया। हमें इस बात की खुशी है कि और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन में 25 से 30 हजार की मेजोरिटी से जीतेगी। ये देखिए मोदी के मीडिया एम्प्लॉई जो है ना, मोदी की सैलरी पे चैनल चलाने वाले, ये उन लोग का कहना है, आवाम का कहना नहीं है। देखिए आपको सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो नेशनल मीडिया है वो चैनल, वो मीडिया को छोड़ के अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको कांग्रेस का क्या पावर है, कांग्रेस के कितनी यूनिटी है, सब चीज आपके सामने आ जाएगी। आप सिर्फ ये मोदी के चैनल देखना छोड़ दीजिए, आप हिंदुस्तान को समझ जाएंगे। अगर आप मोदी के चैनल देखेंगे तो आप सिर्फ हिंदुस्तान को बर्बादी की तरफ जाते हुए वही देखेंगे। जो एमपी इलेक्शन हुए तेलंगाना में, जिसमें से 16 एमपी में से 3 कांग्रेस के एमपी जीते और 3 एमपी सिर्फ 5 से 7 हजार की मेजोरिटी से हारे, तो एक एमपी इलेक्शन में 5-7 हजार की मेजोरिटी मायने नहीं रखती। तो उस हिसाब से 6 एमपी नियर यहाँ पे जीते, अपन वो टारगेट ले सकते। और अगर 6 एमपी को 7 एमएलए रहते, 6 एमपी को अगर आप देखेंगे तो 42 एमएलए होते, तो परसेंटेज में भी टीआरएस से सिर्फ और सिर्फ 5-6% कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज कम रहा। उससे जो है सो बुरी हालत नहीं बोल सकते, बहुत ही करीब है, हम कांग्रेस जीतने के करीब है आने वाले इलेक्शन में। ये 5-6% आपको हम टीआरएस से 10% आगे जाके बताएंगे। एक्टिव पॉलिटिक्स है, रिसेंटली रेवंत रेड्डी साहब, मोहम्मद अली शब्बीर साहब बहुत ही ज्यादा इस पे वर्कआउट कर रहे हैं और उत्तम कुमार रेड्डी साहब भी, और किसानों के आंदोलन को जब एक अनप्लान एक यात्रा निकाली गई रेवंत रेड्डी साहब की जानिब से, तो रातों रात उसमें हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए।
तो ऐसा कांग्रेस के लिए पब्लिक बहुत ज्यादा कांग्रेस के फेवर में आ रही, मगर ये मीडिया जो है सो मीडिया बिके हुए है, जो आप लोग बिके हुए नहीं है, जो सोशल मीडिया है ये एक अच्छी मीडिया है, इस वजह से पब्लिक तक सही मैसेज पहुंच रहा हर सिटी में। उसके बावजूद भी आपको पब्लिक को मीडिया नहीं बता रही, सोशल मीडिया से पब्लिक तक मैसेज बराबर पहुंच रहा, बराबर कांग्रेस धरने दे रही। हम खुद भी यहाँ पे तेलंगाना में भी चिन्ना रेड्डी साहब काफी हेजिटेशन में हिस्सेदार रहे, कई प्रोग्राम्स करे, मगर ये लोग मीडिया सिर्फ एक कांग्रेस की कमजोरी मीडिया है, मीडिया जैसे बिका हुआ होने की वजह से पब्लिक तक सही मैसेज नहीं पहुंच सक रहा। हैदराबाद का बिगेस्ट शॉपिंग इवेंट कोहिनूर एक्सपो 13 मार्च बरोदे हफ्ता किंग पैलेस फंक्शन हॉल गुडी मलकापुर हैदराबाद में मुनाकिद किया जा रहा है। ये इवेंट सुबह 11 से रात 12 बजे तक रहेगा। इस एक्सपो में 200 से ज्यादा स्टॉल्स मौजूद रहेंगे, जिसमें फूड, क्लोथिंग, इस्लामिक ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और दीगर शामिल है। साथ ही साथ बच्चों के लिए किड्स फन जोन भी मौजूद रहेगा। कोहिनूर एक्सपो में खरीदारों के लिए एक बम्पर ऑफर भी रखा गया है। 5000 रुपए की खरीदारी पर आप जीत सकते हैं 25000 रुपए का लकी ड्रॉ। स्टॉल्स और मजीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फुरखान गाजी है और हमारे साथ हैं उस्मान मिश्री। जैसे कि आप सब लोग को पता है 13 मार्च के दिन हैदराबाद का एक बेहतरीन शॉपिंग एक्सपो होने वाला है कोहिनूर एक्सपो नाम से, जो कि किंग्स पैलेस गुड्डी मलकापुर में है और इसके अंदर 200 के ऊपर स्टॉल्स लगने वाली हैं, जिसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ ब्रांड्स, आपको मल्टीपल टाइप ऑफ स्टॉल्स जैसे कि क्लॉथिंग, फूड और बच्चों के लिए आपको खेलने के लिए एक गेमिंग सेक्शन भी है, बहुत अच्छा गेमिंग सेक्शन भी मिलेगा आपको। और इसकी एक और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, 5000 की खरीदी के ऊपर आपको 25000 का लकी ड्रॉ उठ सकता है और इसके अंदर हम लोग फर्स्ट 300 कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हिजाब एंड अबाया देने वाले। कोहिनूर एक्सपो की टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात के 12 बजे तक है और दूसरे डिटेल्स के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम का पेज कोहिनूर एक्सपो पे विजिट कर सकते हैं और हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। पब्लिक से बहुत अच्छा रिव्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, पब्लिक से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे को और थैंक्स टू अवर स्पॉन्सर्स इमरान टेक्सटाइल एंड पेडिस्टल इंफ्रा डेवलपर्स और हमारे को स्पॉन्सर पिंक एंड ब्लू। 13 मार्च किंग पैलेस मेहदीपट्टनम गुड्डी मलकापुर कोहिनूर एक्सपो ज़रूर आइए, आप आपकी फैमिली के साथ और बच्चों को लेकर आइए। प्ले जोन एरिया भी है और शॉपिंग के बहुत अच्छे स्टॉल्स लगने वाले, इंशाल्लाह सभी रहेंगे, आप सबको भी देखेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह।